बलरामपुर जिले में पुलिस कस्टडी में ही युवक की मौत के मामले को लेकर आज बैकुंठपुर में स्थित राजीव के सामने कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले में पुलिस कस्टडी में गुरुचरण नामक व्यक्ति की मौत के बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा चुकी है। विपक्ष के रूप में कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इस विषय में पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ गृह मंत्री का पुतला दहन किया जा चुका है, लेकिन आज इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बैकुंठपुर से विशाल सिंह की रिपोर्ट। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बलरामपुर में जो पुलिस कस्टडी में गुरचरण मंडल की जो आत्महत्या कहा जा रहा है उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ ये धरना प्रदर्शन रखा है, और ये कोरिया जिला भर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में ये धरना प्रदर्शन है। और छत्तीसगढ़ की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और खासकर सरगुजा संभाग जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ इस प्रकार की आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं। और बलरामपुर की घटना देख लीजिए, सूरजपुर में की घटना देख लीजिए, ये सब छत्तीसगढ़ में अपराध की बढ़ते स्तर को दिखाता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ जब से बीजेपी की सरकार बनी है, यहाँ चाहे वो बलात्कार की स्थिति दे दो, महिला उत्पीड़न की स्थिति दे दो, वो साल एक साल के अंदर 4000 से अधिक महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है, 700-800 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हो चुकी हैं। और रायपुर में ही नए बस स्टैंड पे एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है। रायपुर में ही कॉलेज के छात्र को, बस्तर के छात्र को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। बड़ौदा बाजार की घटना को देख लीजिए, कलेक्टर एसपी कार्यालय जला दिए जाते हैं। कवर्धा में भी इसी प्रकार की एक आगजनी की घटना हुई। बलरामपुर में जो कस्टोडियल डेथ हुई है, पुलिस कस्टडी में जो डेथ हुई है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और हमारी यही मांग है कि हमारे संभाग में और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक की जाए। जिस तरह की वारदातें रोज बढ़ रही हैं, चाहे वो महिलाओं के साथ हो, चाहे हत्या हो, चाहे पुलिस के डर से जो आत्महत्याएं हो रही हैं, इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाए और इस पे रोक लगाने का काम किया जाए।